हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर बुक फॉर क्लास फर्स्ट। और हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने इंग्लिश कार्निवाल में चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। सो हम अगेन इसमें इंग्लिश ग्रामर में बुक में वर्क हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 और 2 कंप्लीट हो गए थे चैप्टर, एंड नाउ इट्स टर्न फॉर चैप्टर 3। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ आई ही एंड शी। This is I, H-E, he, A-N-T, and S-H-E, she. So first, let me describe for you these words, कि इन तीनों words का मतलब क्या होता है। जो I का मतलब होता है मैं, हम I को use करते हैं for myself या ourselves, and he का मतलब होता है हिंदी में वह। लेकिन जब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो, व्हेन वी टॉक अबाउट अ बॉय, अ मैन, तो हम बात करेंगे अगर उनकी, तो हम बार बार में उनका वर्ड सॉरी बार बार में उनका नेम रिपीट नहीं कर सकते। सो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एच ई ही का यूज़ करते हैं और हिंदी में वह का यूज़ करते हैं, या वो या वह के लिए हम इंग्लिश में ही का यूज़ करते हैं। एंड सेम जो है ऑपोजिट वर्ड आता है शी, जो कि है गर्ल के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट अ गर्ल और अ वुमन या लेडी, तो हम बात करते हैं अगर उनकी, तो अगर हम उनको एड्रेस करते हैं तो हम शी का यूज़ करते हैं उनके नाम के रिपीटेशन को रोकने के लिए। सो आपको ये तीनों के बारे में पता चल गया कि आई मीन्स मैं, ही मीन्स वो, चाहे वो लड़का हो या वो मैन हो, और ये शी मीन्स वो लड़की या वो औरत या जो भी वो जिसके बारे में हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, युवती के बारे में बात कर रहे हैं, तो शी का यूज़ होगा। अब आपको टाइटल के बारे में पता चल गया, सो लेट्स कम फॉरवर्ड, रीड दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए दिया गया है इस टाइटल के लिए। सो केयरफुली प्लीज़ रीड दिस। पीटर इज़ माई ब्रदर। पीटर मेरा भाई है, ब्रदर मीन्स भाई। पीटर इज़ अ गुड बॉय। पीटर एक बहुत अच्छा लड़का है। पीटर ऑलवेज़ केयर्स फॉर मी। पीटर मेरी हमेशा केयर करता है या देखभाल करता है, या वो मेरे लिए कंसर्न है। पीटर एंड आई प्ले टुगेदर। पीटर और मैं, हम दोनों साथ में खेलते हैं। सो आपने एक चीज़ नोटिस की है कि इसमें पीटर जो वर्ड है उसके बारे मतलब उसकी रिपीटेशन बार बार हो रही है, क्योंकि पीटर एज अ गाय, एज अ पर्सन, उसके बारे में ये बता रहा है। सो ऑब्वियसली इसके बारे में ये बताएगा तो बार बार में उसका वर्ड, ये कंटिन्यूसली इसका नेम रिपीट करेगा ही, बट इसका जो वर्ड बार बार में आ रहा है या नेम बार बार में आ रहा है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसकी जगह हम ही का यूज़ करेंगे, बिकॉज पीटर इज़ अ बॉय। यहाँ आया है कि, और हमें पता भी है कि पीटर एक बॉय है, लड़का है, तो जब हम उसके बारे में बात करेंगे और उसको एड्रेस करेंगे तो हम नाम तो उसका एक ही बार लेंगे, बट आगे उसके बारे में अगर हम डिस्क्रिप्शन देंगे या कुछ बताएंगे, इंट्रो देंगे, तो हम ही का वर्ड, ही वर्ड यूज़ करेंगे। किसके लिए, फॉर पीटर। थिंक ऑफ अनदर वे ऑफ सेइंग दिस। अब ये कह रहा है कि थिंक मतलब सोचिए, आप अज्यूम कीजिए कि, या सोचिए कि पीटर के बारे में जो ये अभी यहाँ बात की गई है उसको आप अलग तरीके से, डिफरेंट वे में आप किस तरीके से बोल सकते हैं। ट्राई नॉट टू से पीटर मोर देन वंस। और ये इसने कंडीशन रखी है या एक शर्त रखी है कि या इसने एक सजेशन भी दिया है कि आप क्या कीजिए, पीटर का नाम सेंटेंस में एक ही बार लीजिए और आगे जितने भी सेंटेंस बोलेंगे उसमें आप पीटर का नाम नहीं यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना बोला है ना इसने। ट्राई नॉट टू से पीटर मोर देन वंस। वंस मीन्स एक से ज़्यादा बार इसका यूज़ नहीं करना, पीटर का नाम। सो इसका डिफरेंट वे यही है कि आप पीटर की जगह ही का यूज़ कीजिए, बिकॉज पीटर इज़ अ बॉय, तो आप ही का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर पीटर की जगह किसी गर्ल का मेंशन होता नाम, तो आप शी का यूज़ करते। सो आप यहाँ देखिए, रीड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को पढ़िए। पीटर इज़ माई ब्रदर। पीटर मेरा भाई है। यहाँ सेम लाइन आई है ऊपर भी और यहाँ भी। अब नेक्स्ट जो लाइन है या आ रही है सेंटेंस, उसमें पीटर का यूज़ नहीं होगा और उसकी जगह ही यूज़ होगा, और बाकी के डिस्क्रिप्शन, बाकी के वर्ड्स सेम होंगे। जस्ट लाइक
नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. कौन अच्छा लड़का है? पीटर. वी टॉक अबाउट पीटर हियर. सो वो एक अच्छा लड़का है ये बता रहा है. ही ऑलवेज केयर्स फॉर मी, वो हमेशा मेरी देखभाल करता है. यहाँ पर भी आया था पीटर ऑलवेज केयर्स फॉर मी. देन वी प्ले टुगेदर, हम साथ खेलते हैं. अब यहाँ वी आया है क्योंकि पीटर एंड आई प्ले टुगेदर आ रहा था यहाँ. तो जब दो लोगों की बात होती है तो वी का यूज़ होता है. दैट्स वाई इसने वी यूज़ किया है. किसके लिए? फॉर पीटर एंड फॉर आई, मतलब खुद के लिए और पीटर के लिए इसने वी का यूज़ किया है. बिकॉज़ यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है और जब दो लोगों की बात होती है तो हमारे बारे में जो हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं हमारे बारे में या हमारे लिए, तो जो हमारा वर्ड आता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में वी, डब्ल्यू ई वी, डब्ल्यू ई वी. सो ये इसने बोल दिया है, पीटर की जगह इसने ही का यूज़ कर दिया है. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस, रीड दीज सेंटेंसेस, अब आप इनको पढ़िए. अमित सिंग्स वेल, अमित बहुत अच्छा गाता है. ही सिंग्स इंग्लिश सॉन्ग्स, वो इंग्लिश सॉन्ग्स गाता है या इंग्लिश के गीत गाता है. कौन गाता है? ही किसके लिए आया है? ही इज़ रेफर्स टू अमित. नंबर टू सेंटेंस इज़ सीता इज़ माई फ्रेंड, सीता मेरी फ्रेंड है. एज़ यू कैन सी सीता इज़ अ गर्ल, सो सीता के लिए यहाँ पर शी वर्ड यूज़ हुआ है दूसरे सेंटेंस में. शी लिव्स नेक्स्ट डोर, और वो दूसरे मतलब घर में रहती है. शी लिव्स नेक्स्ट डोर मतलब दूसरे घर में, मेरे से थोड़ी सी दूरी पर रहती है. आई प्ले विथ माई पैट, मैं अपने पैट के साथ खेलता हूँ. पैट मीन्स जैसे हम डॉग कैट ये सब हम अपने घर पर रखते हैं उन्हें, उसके लिए आता है वर्ड पैट, उन्हें डोमेस्टिक पैट कहते हैं. इट इज़ अ डॉग, ये एक डॉग है. उसका जो पैट है वो कौन है? डॉग है. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ रेहान ऋषि एंड हरी प्ले फुटबॉल, ये कह रहा है कि रेहान ऋषि और ये हरी ये तीनों क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेलते हैं. फुटबॉल इज़ अ गेम, यू नो दैट अबाउट इट. दे प्ले एवरी डे, और वो हर दिन खेलते हैं. अब यहाँ जो कलर्ड में वर्ड आया है दे, टी एच ई वाई दे, ये रेफर करता है रेहान ऋषि एंड हरी को, क्योंकि इसने तीनों वर्ड्स वापस या तीनों नेम्स वापस रिपीट नहीं किए हैं. उससे रिपीटेशन के बचने के लिए इसने दे का यूज़ किया है. और यहाँ पर दे का मतलब हिंदी में है वे या वो. तो वो कौन है? ये तीनों हैं, रेहान ऋषि एंड हरी. ये तीनों रोज़ खेलते हैं ये ऐसा बता रहा है. तो इसने क्या किया? इन तीनों का सॉरी नेम लेने के बजाय इसने क्या किया? दे का यूज़ कर दिया. ऋषभ आदि एंड आई आर कज़न्स, ये कह रहा है कि ऋषभ आदि और मैं, आई मीन्स मैं, अभी मैंने बताया था हम तीनों कज़न्स हैं. हम तीनों कज़न्स हैं. कज़न्स आप जानते हैं जो कज़न्स का रिलेशन होता है, जो सिबलिंग्स नहीं होते हैं लेकिन आपके अंकल आंटी के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं कज़न्स. वी लिव इन द सेम बिल्डिंग, और हम सेम बिल्डिंग यानी समान बिल्डिंग में या फिर एक ही बिल्डिंग में रहते हैं. कौन रहते हैं? ऋषभ आदि एंड आई, हम तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं. नाउ कम टू द पेज नंबर 17, वी विल रीड दिस स्मॉल पैराग्राफ विच बिलोंग्स टू द दी सेंटेंसेस. अभी जो हमने सेंटेंसेस पढ़े थे उन्हीं के ही डिस्क्रिप्शन है ये. सो यू हैव टू रीड दिस इन दीज सेंटेंसेस. इन सभी सेंटेंसेस में जो अभी हमने वाक्य पढ़े, ही इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अमित. जो ही वर्ड आया है कलर्ड में वो किसके लिए आया है? अमित के लिए. शी इन प्लेस ऑफ सीता, और शी वर्ड आया है वो सीता की जगह आया है. प्लेस मीन्स जगह. इट जो वर्ड आया है, इट इन प्लेस ऑफ पैट, वो जो पैट था जो डॉग था उसकी जगह इट यूज़ हुआ है. दे इन प्लेस ऑफ रेहान ऋषु एंड हरी, और जो दे वर्ड आया है टी एच ई वाई दे, वो रेहान ऋषु एंड हरी के जगह पे आया है. एंड वी इन प्लेस ऑफ ऋषभ आदि एंड आई, और जो वी वर्ड आया है डब्ल्यू ई वी, ये जो वर्ड आया है वो ऋषभ आदि एंड आई इन तीनों की जगह आया है.
सो मैंने आपको सेपरेटली ये वर्ड्स ये सेंटेंस समझा दिए हैं इंडिविजुअली, एंड मैंने इनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ समझा दिया है, तो आपको इससे काफ़ी आसानी होगी. नाउ रीड दिस, ये भी आपको रीड करना ज़रूरी है जो येलो ब्लैंक में है, सो दैट यू कैन ईजिली लर्न इट. आई इज़ यूज टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, जो आई आता है वर्ड यूज़ होता है वो खुद के बारे में, माई सेल्फ मीन्स खुद के बारे में यूज़ करने के लिए आता है. जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, तो हम आई का यूज़ करते हैं. ही इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ बॉय और अ मेल नेमिंग वर्ड. ये कह रहा है कि जो ही वर्ड यूज़ होता है वो किसी भी लड़के या फिर कोई मेल नेमिंग वर्ड या मैस्कुलिन वर्ड या जिसमें मैन हो उनके लिए ही वर्ड यूज़ होता है. शी इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ गर्ल. शी जो वर्ड होता है वो गर्ल या लड़की के लिए रेफर होता है या लड़की की जगह यूज़ होता है. और अ फीमेल नेमिंग वर्ड, या कोई भी नेमिंग वर्ड ऐसा आ जाए जो फीमेल हो, फेमिनिन हो, तो उसकी जगह शी का यूज़ आप करेंगे. इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन एनिमल. जो इट वर्ड यूज़ किया जाता है वो किसी जानवर के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उसका वर्ड का बार बार में यूज़ ना हो, रिपीट ना हो, तो हम क्या करते हैं, इट यूज़ करते हैं. और अ नॉन लिविंग थिंग, और इट किसके लिए यूज़ होता है, जानवर के लिए तो होता ही है, एनिमल्स के लिए, प्लस वो नॉन लिविंग थिंग यानी कि जो निर्जीव हो, जिनमें जान नहीं हो, जैसे कि कोई भी चीज़ या थिंग्स, तो उनके लिए भी इट यूज़ होता है, जैसे कि चेयर या टेबल, बोर्ड या पेंसिल, कुछ भी, अगर कुछ भी हो जो नॉन लिविंग हो, जिनमें जान नहीं हो, उसके लिए भी अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हो, सेंटेंस बोल रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो हम इट का यूज़ करते हैं. दे स्लैश वी, ये स्लैश जो आया है वो और है यहाँ, यानी कि या दे या फिर वी के बारे में हम बात करेंगे, तो दे और वी इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोर देन वन पर्सन. अब ये जो वर्ड आए हैं दोनों, दे और वी, इनका यूज़ कहाँ होता है, जब एक से ज़्यादा, मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा इंसान होते हैं और उनके बारे में अगर बात की जाए तो हम दे या फिर वी का यूज़ करते हैं. सो बेसिकली ये वही चीज़ बोल रहा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, कि आई का यूज़ होता है खुद के बारे में, माई सेल्फ. ही का यूज़ होता है बॉय, मैन या फिर मैस्कुलिन नेमिंग वर्ड के लिए. शी का यूज़ होता है गर्ल, वुमेन, लेडी या फिर फेमिनिन वर्ड के लिए. इट का यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बात करें, या फिर एनिमल्स के लिए इट का यूज़ होता है. दे एंड वी का यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा लोग हों या फिर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हों, तो दे का यूज़ या फिर वी का यूज़ होता है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन ए, फील इन द ब्लैंक्स विथ आई, ही, शी, इट, दे और वी, जिसके लिए आपको बोर्ड पे देखना होगा. अब आपको ये फील करना है पेज नंबर 17 पर, फील इन द ब्लैंक्स विद आई, ही, शी, इट, दे और वी. ये जितने भी वर्ड्स यहाँ आए हैं, जो भी वर्ड्स के सेंटेंस में एप्रोप्रिएट हो वो आपको फील करने हैं. नंबर वन इज डैश एम ऋषभ, ये बोल रहा है खुद के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ रूल कि एम से पहले क्या लगता है, आई लगता है, तो ये खुद के बारे में बता रहा है, तो आप यहाँ आई फील करेंगे. नंबर वन में आई एम ऋषभ, मैं ऋषभ हूँ. डैश स्टडी इन क्लास फर्स्ट, यहाँ अगेन खुद के बारे में ही बता रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूँ, तो इन दोनों में ही आई आएगा. नंबर टू इज माय फ्रेंड्स नेम इज अली. माय फ्रेंड्स नेम मतलब मेरे दोस्त का नाम क्या है, अली. अब ये किसके बारे में बता रहा है, अपने दोस्त के बारे में बता रहा है. यहाँ लिखे फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डैश लव्स टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है. किसे, अली को पसंद है फुटबॉल खेलना. बट यहाँ हम अली का अगेन वर्ड यूज नहीं करेंगे, नेम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज रिपीटेशन से बचना है, तो अली की जगह हम अली इज अ बॉय, अली के लिए हम ही वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज ही जो वर्ड होता है वो किसी मैस्कुलिन वर्ड के लिए, नेमिंग वर्ड के लिए या बॉय के लिए यूज होता है, और अली इज अ बॉय, तो आप यहाँ पर ही वर्ड यूज करेंगे. और
देना बिकॉज यहाँ फुल स्टॉप है. ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है. नंबर थ्री इज डैश एंड शेम, अगेन यहाँ एम आया है तो आप क्या फील करेंगे, आई एम शेम, मैं शेम हूँ. देन डैश स्टडी इन क्लास सेकंड, और मैं दूसरी क्लास में या सेकंड क्लास में पढ़ती हूँ. सो यहाँ जो जैसे हमने यहाँ लगाया था आई, उसी तरीके से आप यहाँ भी आई फील करेंगे. आई स्टडी इन क्लास सेकंड, मैं दूसरी क्लास में पढ़ती हूँ. योर नंबर फोर सेंटेंस इज दिव्या इज माई फ्रेंड, दिव्या मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है. डैश इज सिक्स इयर्स ओल्ड, और वो छः साल की है. बट हमें क्या फील करना है यहाँ, दिव्या आई है, दिव्या इज अ गर्ल, गर्ल्स नेम. सो दिव्या के लिए हम लगाएंगे शी, शी लगाएंगे आप, और शी का एस कैपिटल लिखेंगे. शी इज सिक्स इयर्स ओल्ड, वो छः साल की है. नंबर फाइव इज विस्कर्स इज अ कैट, विस्कर्स कौन है, कैट एक बिल्ली है विस्कर्स. डैश इज माय पेट, ये मेरी पैक है, पैक मतलब उसने घर पे उसे रखा हुआ है. सो यहाँ विस्कर्स के लिए हम अगेन विस्कर्स वर्ड को लिखेंगे, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, हम उसकी जगह एक लिखेंगे, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो भी एनिमल या कोई नॉन लिविंग थिंग हो उसके लिए हम एक का यूज करते हैं. सो विस्कर्स या कैट आया है वो एक एनिमल के लिए आया है, तो हम इट यूज करेंगे. इट इज माई कैट. ये आपके 1 to 5 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम 6 to 10 सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. डैश आर माई क्लासमेट्स, ये मेरे क्लासमेट्स हैं. अब ये यानी बहुत सारा है, तो यहाँ पर तुम की बात होगी, जब तुम की वर्ड आता है तो प्री वर्ड दे, टी एच ई वाई दे, तो हम यहाँ फिर करेंगे दे वर्ड, टी एच ई वाई दे आर माई क्लासमेट्स, वो मेरे क्लासमेट्स हैं. नंबर 7 इज डैश आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट. अभी देखिए यहाँ क्या आएगा, डैश आर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, वो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्लास फर्स्ट के. यहाँ पर भी ग्रुप की वाली बात हो रही है, यानी किसी और के जो ग्रुप में है क्लासमेट्स हैं, तो यहाँ पर हम अगेन दे वर्ड यूज करेंगे, दे आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट. डैश लव आवर स्कूल, और यहाँ आप सबकी बात हो रही है कि हम अपने स्कूल को पसंद करते हैं. सो यहाँ आएगा बी, क्योंकि सभी यानी इसमें ये भी शामिल है कौन जिसके जो खुद कह रहा है अपने क्लासमेट्स के बारे में, तो जो वो भी इंक्लूड है और उसके क्लासमेट्स भी इंक्लूड हैं जो कि अपने स्कूल को पसंद करते हैं, तो हम यहाँ बी वर्ड यूज करेंगे, बी मीन्स हाँ. नंबर 8 इज दिस इज माई फ्रेंड रवि, ये मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है रवि. डैश प्ले टुगेदर इन द पार्क एवरी इवनिंग, हम हर शाम हर इवनिंग को हम एक साथ पार्क में खेलते हैं. अब जब हम वर्ड आया है तो वी पुट वर्ड वी, हम डालेंगे यहाँ पर वर्ड वी, क्योंकि ये सबके बारे में बात कर रहा है जिसमें खुद भी इंक्लूड है. नंबर 9 इज डैश डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलते. कौन नहीं खेलते, वही लोग जो अभी फुटबॉल खेल रहे हैं या खेलते हैं हमेशा, तो यहाँ आएगा वी, डब्ल्यू कैपिटल बनाएंगे आप, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं. नंबर 10 इज अगर ये किसी और के बारे में बात कर रहा होता तो यहाँ पर वो दे लगा था, जैसे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, बट यहाँ वो खुद के बारे में बात कर रहा है सो इसने बी लगाया है. नंबर 10 इज डैश ऑल लाइक टू रीड बुक्स, हम सभी को बुक्स पढ़ना पसंद है. अब सभी को पसंद है तो हम वी वर्ड यूज करेंगे. सो इस तरीके से आपके 6 to 10 सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं. आपने अभी ये बुक में फील किया होगा, बट अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये 1 to 5 ओनली आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, चैप्टर का नेम लिखना है, डेट डालनी है, और ये आपको ओनली 1 to 5
लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ऊपर ये क्वेश्चन आपको लिखना है, देन ये आपको पूरा कंप्लीट इस तरीके से करना है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।